का उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की। मंदिर के कपाट गुरुवार की सुबह 7:10 पर खोल दिए गए। इस दौरान मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस दौरान बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही थी। इसके बाद भी वहां पर भक्तों की लंबी कतार देखी गई। वहीं धाम के कपाट खोलने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान वहां भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं मंदिर को करीब 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। दूसरे ओर कपाट खुलने से पहले बुधवार तक यहां पर दर्शन के लिए 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी गई। तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आज कपाट को खोल दिया गया है। बद्रीधाम के जो कपाट है आज खुल गए हैं। सुबह करीब 7:15 पर ये कपाट खोले गए और उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद आज खोल दिए गए। योगेश सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, वो जो एक इंतजार श्रद्धालु करते हैं वो इंतजार आज खत्म हुआ। बद्रीनाथ के कपाट आज खुल गए हैं पूरी विधि विधान के साथ, और ऐसे में कितना ज्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? योगेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आपका जी योगेश, क्योंकि आज कपाट बद्रीधाम के खुल गए हैं पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आया? आज सुबह अगर कहें तो 7:10 पर कपाट खुले। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, क्योंकि बाबा माफ कीजिएगा, जब भगवान बद्री विशाल की बात करते हैं तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। फिर चाहे साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, हर जगह से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वही आज देखने के लिए मिला। सुबह 7:10 पे कपाट खुले, उसी दौरान जब मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुल रहे थे तो तीर्थयात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, और 5 क्विंटल जो है फूलों से पूरा जो बद्रीनाथ धाम है उसको सजाया गया। इस समय अगर कहें तो क्योंकि मौसम भी बिल्कुल सुहाना हो रखा है, मौसम विभाग जो मौसम केंद्र है उसने भी कह रखा है कि बर्फबारी हो सकती है, इसकी वजह से भी ठंड भी बहुत ज्यादा है। और उन ठंड के बीच में जो सेना का बैंड होता है उस बैंड के धुन पर अब कपाट खुले, और कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली पूजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, और श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहता है, क्योंकि 6 महीने तक ये यात्रा चलेगी, देश भर से श्रद्धालु आएंगे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, और उनके दर्शनों के लिए दर्शन करने के लिए जहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो भगवान बद्री विशाल का जो इंतजार रहता है पूरा 6 महीने तक कि कब दर्शन कर पाएंगे, वो दर्शन के इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। आज सुबह 7:15 पे कपाट खुल गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 7:10 पर कपाट खोल दिए गए हैं बद्री विशाल के, और ऐसे में आपको बता दें कि देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह उनमें नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं आज पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना करने के साथ ही इस कपाट को खोला गया। 6 महीने तक बद्री विशाल के जो कपाट है वो बंद रहते हैं बद्रीधाम के, और 6 महीने के लिए खुलते हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि देश भर के यात्री जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और बद्रीधाम पहुँचकर बद्री विशाल के दर्शन करते हैं।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून नगर निगम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने कूड़ा उठाने का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया है कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूल लिया गया है, लेकिन GMS ग्रैंड दून दरबार समेत अभी भी बड़े बड़े नामी होटल रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे स्थान है जिन्होंने अगस्त से लेकर अभी तक कूड़ा उठाने का चार्ज जमा नहीं किया है, जिनको नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही अगर वे शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी। तो दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल पर एक्शन हुआ है। आलोक सेमवाल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई हुई है और ये जुर्माने लगाने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, जहां तक कूड़ा निस्तारण की बात है तो एक समस्या बनकर उभरी है वो देहरादून में, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि कई जगह जो कूड़े के प्लांट है उसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब ये देखा गया है कि दून दरबार और दून स्कूल समेत कई ऐसे संस्थान है जिनको नगर निगम द्वारा पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि वो अपना जो कूड़ा जो उठाने का चार्ज है वो जल्द से जल्द जमा करवाएं, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा कूड़ा उठाने का चार्ज जो है वो जमा नहीं किया गया, जिसके बाद अब नगर निगम में इन पर कार्यवाही की है। पहले वार्निंग दी गई थी इनको, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा इनके पास से निकलकर सामने नहीं आया कि इनके द्वारा कूड़ा उठाने का चार्ज जो है वो दिया गया हो, इसलिए नगर निगम ने अब 10,000 का जुर्माना जो है इन पर लगाया गया है। और नगर निगम का ये भी कहना है कि बाकी भी उनके द्वारा लिस्ट तैयार की गई है देहरादून में, और यदि वो भी कूड़ा उठाने का चार्ज जमा नहीं करते हैं तो उन पर भी जुर्माना जो है लगाया जाएगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं हरिद्वार निवासी बुजुर्ग डॉक्टर सतीश दत्ता ने हॉस्पिटल संचालक पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी अजय सिंह से मिलकर बुजुर्ग सतीश कुमार दत्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 2 वर्ष से जानबूझकर अस्पताल का कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट उनके घर के सामने फेंका जाया और जलाया भी जा रहा है। अस्पताल के संचालक के पार्टनर और उनके साथी रास्ते में गाड़ी खड़ी कर उसमें शराब पीते हैं, मना करने पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और बुजुर्ग डॉक्टर ने बताया कि बीती 11 अप्रैल को रात में लगभग 11:30 बजे अस्पताल का गार्ड नशे की हालत में उनके घर के पास गंदगी कर रहा था और गार्ड को मना करने पर डॉक्टर सुशील शर्मा, उनका ड्राइवर पंकज यादव, साजन सैनी और सचिन बेनीवाल सहित कई लोग वहां पर आए और गालियां देते हुए घर में घुसकर उनके साथ उनके परिवार और घर में मौजूद मेहमानों के साथ में मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट में उनके पुत्र समृद्ध दत्ता को चोटें भी आई हैं। वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई, जालापुर के निवासी, अभी इन्होंने कोई झगड़े की बात बताई थी जो उनके मोहल्ले में था, तो इस संबंध में जो है जांच मैंने क्षेत्राधिकारी जालापुर को दे दी है, जो आज ही इसमें निर्णय करके और इसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए भी बता दिया गया। इस तरह से कोई, क्योंकि ये लोकल ही मामला है और छोटी मोटी बातों को लेकर ये झगड़ा हुआ था, तो ऐसा कोई इसमें जान को खतरे वाली बात नहीं लगी प्रथम दृष्टया, और एक मामूली छोटी छोटी बातें जो होती हैं उस पर ही झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, इसके लिए क्षेत्राधिकारी को बता दिया गया। वहीं मौजूदा दौर में जहां राजनीति की हर लड़ाई मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है, ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और उत्तराखंड में 13 लाख कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने वाली भाजपा सोशल मीडिया पर नई नवेली राजनीतिक पार्टियों से भी पीछे नजर आती है। उत्तराखंड में भाजपा 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकती है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हम उत्तराखंड में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के फेसबुक फॉलोवर के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो सबसे पीछे भाजपा खड़ी हुई नजर आती है। उत्तराखंड में फेसबुक फॉलोवर्स के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे आगे। जुम्मा 4 दिन हुए आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में फेसबुक फॉलोवर्स का आंकड़ा 3 लाख छूने वाला है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की फेसबुक पर 3,25,000 है। उत्तराखंड में भाजपा की 2 बार सरकार बनने के बाद भी 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने वाली
भाजपा के फेसबुक पर पार्टी के केवल 3,20,000 फॉलोअर्स हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता फेसबुक पर खुद की ही पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर बीजेपी के 13,00,000 सदस्य के आंकड़े में कुछ घालमेल है। ग्राउंड पर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस तरह से दुर्गति होने पर उत्तराखंड भाजपा ने अपने पूरे आईटी तंत्र में बदलाव किया है। सोशल मीडिया प्रभाग की जिम्मेदारी शेखर वर्मा से हटाकर अब भाजपा के युवा नेता नवीन ठाकुर को दे दी गई है। नवीन ठाकुर ने बताया है कि वे लगातार अपने वास्तविक कार्यकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी शहर में शुरू हुई मुहिम दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकती है। नगर निगम की ओर से डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने के शुल्क वसूलने के लिए बैणी सेना का गठन किया गया। नगर निगम का प्लान कुछ भी दिन में गायब होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि कुछ ही दिन में इसे कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ा गया। बता दें आपको, क्योंकि राजस्व में बढ़ोतरी होने लगी है, बैणी सेना ना केवल शुल्क वसूलती है बल्कि स्वच्छता की मॉनिटरिंग भी करती है, जिसकी रिपोर्ट नगर आयुक्त को दी जाती है। देहरादून में नगर निगम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा के सामने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय बैणी सेना के कार्यों का प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने बताया कि बैणी सेना ने कैसे घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क 8,00,000 से 33,00,000 प्रति महीने पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता का भी ध्यान रखा है और मॉनिटरिंग कर पूरी रिपोर्ट नगर निगम को दी गई है। संयुक्त सचिव रूपा सिंह को प्रेजेंटेशन ने काफी प्रभावित किया है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट की काफी तारीफ भी की है। जहां पर परीक्षा में फेल होने पर छात्रा काजल ने जीवन लीला समाप्त कर ली। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही जसपुर की सीमा से सटे मुरादाबाद जिले के चटपुरा महावतपुर निवासी काजल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। छात्रा को बेहोशी की अवस्था में परिजनों ने जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। बता दें आपको कि जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया। वहीं मृतक छात्र काजल के पिता ने बताया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के बाद वे मायूस नजर आई। देर रात तक उसे बेहोशी की हालत में देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पास एक पेशेंट आया, 19 साल की एक लड़की होगी, काजल नाम था उसका, पवन कुमार, जटपुरा से रहने वाली थी। उसके माता पिता तो साथ में आए नहीं थे, उसके रिलेटिव भी साथ में थे। वो बता रहे थे कि लगभग 1 घंटा पहले इसने कुछ खा लिया है, और उनके बताने के अकॉर्डिंग तो सल्फास बता रहे थे। जब तक हमने उसको रिसीव किया, यहाँ पर उसकी पुतलियाँ फैली हुई थी, मुँह से झागर, वो भी हमें उसको हमने लगभग 2-3 मिनट लगा के उसको एग्जामिन किया, बट उसने अनफॉर्चुनेटली कुछ खा लिया, तो हम पुलिस को बॉडी। गदरपुर में बाइक की टक्कर से घायल मासूम की मौत हो गई। बाजार से दादी के साथ घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल मासूम ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। गदरपुर के ग्राम पिपलिया निवासी मोक्ष ढाली बीती शाम अपनी दादी के साथ बाजार से घर लौट रहा था। महतोष मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने मोक्ष को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और इस दौरान भीड़ ने बाइक सवार मृत्युंजय बढ़ाई को पकड़ लिया और घायल बच्चे को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से रेफर करने पर परिजन बच्चे को हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तहरीर के आधार पर बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 7:30 बजे की बात है, हम लोग मैतोस मोड़ से आ रहे थे और बाइक इधर से जा रहा था, पिपला नंबर 2 से।
तो हम लोग अपने साइड से आ रहे थे और एक गाड़ी वाला बहुत तेज था, उसका बच्चा चला रहा था, लड़का बड़ा है लड़का, उसका पापा पीछे बैठा था, तो इतना स्पीड पे था कि वो ब्रेक रोक नहीं पाए और एकदम बच्चों को जाके मतलब पेट पे जाके ठोक दिया और वो 10 फुट मतलब अंदर जाके गिरा, मतलब झूमते झूमते ऐसे करके, तो फिर उसने उठाया भी नहीं, उस बगल में जो लोग थे हम लोग थे उसको जाके उठाया, ये उसका माँ है, उसका माँ ने उठाया और उसके बाद वो भाग रहा था, फिर सब लोगों ने मिलके बोला कि मैथुष तक तो ले चलो, फिर वो नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग उसको मैथुष तक तो ले गए, फिर उधर से डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास नहीं होगा, इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो हम लोग उधर से बड़े हॉस्पिटल में जब जाने वाले थे तो उसको फोर्स किया कि भाई हमारे साथ चलो, आपने एक्सीडेंट करवाया, तो वो मना कर दिया डायरेक्ट, कह रहे हम लोग नहीं जाएंगे, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैंने बोला भैया पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप कल ही हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे साथ तो कोई आदमी लोग है नहीं, हम दो औरत क्या करें। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में का बाघिन पर्यटकों की जिप्सी पर झपट पड़ी, हालांकि बाघिन जिप्सी के अंदर नहीं घुसी, उसे लेकर वन विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। टेढ़ा गेट से पर्यटकों की जिप्सी सीतावनी जोन में जंगल सफारी के लिए जा रही थी, ग्रासलैंड के पास पर्यटकों को सड़क किनारे एक बाघिन दिखाई दी, बाघिन को देखकर पर्यटकों की जिप्सी रुक गई, जिस पर बाघिन अचानक हमलावर हो गए, जिप्सी की ओर कूद पड़ी और जिससे कि जिप्सी में बैठे पर्यटकों के होश उड़ गए और चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बाघिन ने पर्यटकों पर हमला नहीं किया और वह जंगल की ओर चले गए। सीतावानी पर्यटक जोन में भ्रमण के दौरान जिप्सी चालक द्वारा बाघ को आक्रामक करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दिख रहा है कि बाघिन जिप्सी पर सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला करने वाली है, जिस पर रामनगर वन प्रभाग के DFO कुंदन कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वाहन चालक तथा जिप्सी स्वामी को चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वाहन स्वामी और जिप्सी चालक दोनों पर केस दर्ज कर लिया है। बता दें आपको कि उस वाहन और वाहन चालक को हमेशा के लिए पर्यटन जोन में प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी की गई है। काशीपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए मामले में दंपत्ति समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा जिले के पुलिस कप्तान ने किया है। दरअसल काशीपुर में रहने वाले पेशे से शिक्षक एक व्यक्ति ने आईटीआई थाने में पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए उसकी एक युवती से दोस्ती हो गई और उसके बाद दोनों में धीरे धीरे संबंध गहराते गए। बीते 21 अप्रैल को फेसबुक मित्र के बुलावे पर वह अपने फेसबुक मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए जसपुर खुर्द स्थित रुद्राक्ष गार्डन गया, जहां पर उसके फेसबुक मित्र से संबंध बनाने के मकसद से कमरे में वो ले गई और साथ ही साथ बता दें आपको इसी दौरान प्लानिंग के तहत युवती के साथ अचानक कमरे में आ गए और दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाते हुए उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। ये लोग उससे 2 लाख रुपए की मांग करने लगी और उनके साथ मारपीट भी की। इस दौरान उक्त शिक्षक ने अपने परिचित को बुलाकर 30,000 नकद और 10 गूगल पे के माध्यम से दिए। आरोपियों ने उनकी स्कूटी, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए अंकित सिंह और उसकी पत्नी तमन्ना समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन 4 के पास से पीड़ित शिक्षक की स्कूटी, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।